विधानसभा चुनाव के चलते शोभा करंदलाजे अयोध्या पहुंची हैं। अवध क्षेत्र की चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है और भाजपा के सभी उम्मीदवार पिछली बार की अपेक्षा इस बार अधिक मतों से विजयी होंगे और विधायकों की संख्या भी इस बार बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। यादव और मुस्लिम की बात करते हैं जबकि यादव भाजपा के साथ है। भाजपा सबका विकास और सबका साथ लेकर चल रही है। समाजवादी पार्टी एक जातिवादी पार्टी है। ये जाति का आधार पर, धर्म का आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो बता रहे हैं मुसलमान हमके साथ है, यादव हमके साथ है। यादव ऐसा लोग नहीं है। यादव देशवादी है, राष्ट्रवादी है। यादव देश के साथ है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। केवल धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश एक बार मौका दिया था। क्या किया उन्होंने? क्या किया? ये मौका का यूज नहीं किया, ये तो भ्रष्टाचार किया। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर इधर राज किया, इसके कारण ये हार गए हैं। बहुत बड़ा नंबर से, बहुत बड़ा संख्या से योगी जी को, हमारा सरकार को, बीजेपी को जिताए लोग। फिर एक बार हम जीतेंगे। केवल जात का आधार पर, धर्म का आधार पर चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ सकते। हम राष्ट्रवाद का आधार पर हम लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश का लोगों राष्ट्रवादी है, इसलिए राष्ट्रवाद के आधार पर हम जीतेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।